नमस्कार, मैं महिमा किराड़ू, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था व्याकरण के अंदर कारक, हम कारक पढ़ रहे थे, तो हम कारक के अब आगे उनके भेदों को समझ लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कारक संज्ञा और सर्वनाम का आपस में वाक्य में जोड़ने का काम करते हैं, उन चिन्हों को हम कहते हैं कारक। और उनके जो चिन्ह होते हैं उन कारक में कारक चिन्ह भी कहा जाता है और उन्हें परसर्ग भी कहा जाता है और उन्हें विभक्ति भी कहा जाता है। कारक के जो भेद होते हैं आठ होते हैं बच्चों, आठ भेद होते हैं, उनको हमने पढ़ लिया था कि कारक के कौन कौन से आठ भेद हैं। अब हम पढ़ते हैं कि उन आठ भेदों का थोड़ा थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो इनको उदाहरण के साथ मुझे समझा रही हूँ, उसको एक बार अच्छे से आप समझना और इस वीडियो पेपर अच्छे से देखना, समझ नहीं आए तो दोबारा देखना, ठीक है। पहला हमारा जो कारक था वो था कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, वह संज्ञा होगी या कोई सर्वनाम जो क्रिया यानी कार्य को पूरा करने का काम करता हो, यानी कर्ता वह होता है जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, पहला उदाहरण है बच्चा लिख रहा है, तो कौन लिख रहा है, बच्चा लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं है। इस बात का मैंने जिक्र आपके पहले वीडियो में किया था कि कारक चिन्ह सब में लगे हुए यह आवश्यक नहीं होते, कहीं कहीं तो शून्य भी रहता है, यानी हमें पता नहीं चलता लेकिन हमें समझना पड़ता है कि हाँ यहाँ पर कारक है। तो बच्चा ये क्या है, कर्ता कारक है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखो, राम ने काम नहीं किया, तो कर्ता ने परसर ने इसका ने विभक्ति कारक की, तो रानी ने काम नहीं किया, तो रानी क्या है, कर्ता कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह ने भी इसके साथ में आया है, जबकि बच्चा लिख रहा है इसके अंदर ने परसर का प्रयोग नहीं किया गया है। पर काम तो कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, इसलिए बच्चा क्या है, कर्ता कारक। दूसरा है बच्चा, दूसरा है बच्चों कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या था, को, ठीक है, तो को इसका विभक्ति चिन्ह है। अब देखते हैं, वह संज्ञा या सर्वनाम जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, क्रिया को कर कौन रहा है, कर्ता, और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है कर्म कारक। जैसे उदाहरण देखो बच्चों, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार कौन पढ़ रहे हैं, पिताजी पढ़ रहे हैं, तो ये तो हमारे हो गए कर्ता कारक। लेकिन अखबार क्या है, अखबार को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया कर्म कारक, ठीक है। किसको पढ़ रहे हैं पिताजी, ये हमारे पिताजी अखबार को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी को परसर का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी यह है कर्म कारक, ठीक है। तीसरा है बच्चों करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन, ठीक है, तो करण का अर्थ है साधन। अब साधन किसका है, जो संज्ञा क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करती है उसे हम कहते हैं करण कारक। उदाहरण देखो बच्चों, उसने चाकू से फल काटे, उसने यानी कौन है, उसने, उसने तो कर्ता कारक है, लेकिन चाकू से फल काटे, किससे फल काटे, साधन क्या लिया उपयोग में, चाकू लिया, तो ये क्या है चाकू, ये हमारा है करण कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से, उसने किसका साधन उपयोग किया, उसने किसका सहयोग किया, तो ये से जो परसर्ग है ये करण कारक का परसर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार का जो संप्रदान कारक चौथा जो भेद है, जिसमें क्या होता है, जिसके लिए क्रिया होती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है यानी के लिए का प्रयोग किया जाता है, वो परसर्ग संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। उदाहरण देखो बच्चों, माँ ने गरीबों के लिए खाना बनाया, जबकि खाना बनाया किसने, कर्ता कौन है, माँ, ठीक है, और ने परसर्ग का प्रयोग भी हुआ है, परंतु किसके लिए बनाया है, गरीबों के लिए, तो यहाँ जो गरीब है ये आपके हो गया संप्रदान कारक और के लिए हो गया इसका परसर्ग, ठीक है। इसी प्रकार आगे वाला भाग देखो बच्चों, पांचवा भेद है अपादान कारक। अपादान और करण के अंदर एक ही अंतर है कि अपादान में वो उससे अलग हो जाता है और इसमें वो साधन साथ में जुड़ जाता है, तो दोनों की विभक्ति चिन्ह तो एक ही है से के द्वारा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे मैं नदी से बाहर आ गया, तो कौन किससे अलग हो गया, मैं जो है कारक नदी में था, कर्ता कारक था, वो नदी से बाहर आ गया, नदी से अलग हो गया, तो यहाँ पर नदी आपको हो गया अपादान, अपादान कारक है और ये इसका परसर्ग है, ठीक है। आगे बच्चों देखो, छठा आपके अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक होता है कि जहां पर कोई क्रिया घटती है वो स्थान या संज्ञा उससे संबंधित होता है या समय होता है उसे कहते हैं अधिकरण, ठीक है। जैसे
मंगल कारक होते हैं, जैसे वह राम का भाई है, तो राम का, तो राम संबंध हो रहा है राम के साथ में उसका, और का परस्पर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। अब पूछा है अगला बच्चों लास्ट वन जो है हमारा संबोधन कारक, क्योंकि संबोधन कारक होता है बुलाना, ठीक है, इसी को बुलाना संबोधन कहलाता है, ठीक है। अब इसका अर्थ वह संज्ञा है सर्वनाम जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाता है, जैसे उदाहरण देखो अरे भाई, यहाँ पर संबोधन चिन्ह हमेशा लगा रहता है, अरे भाई मेरी मदद करो, तो यहाँ पर अरे भाई और संबोधन चिन्ह भी लगा है, तो ये आपका हो गया संबोधन कारक। इस प्रकार बच्चों आज आपका कारक वाला चैप्टर खत्म होता है, इसको अच्छे से समझना, धन्यवाद।